लेके जाते हैं हम लोग गेहूं की खाने के लिए, और फिलहाल ये धोने के लिए हम छत पे लेके जा रहे हैं। ये छत धुआ रहा है, और छत पर धोने के बाद अब गेहूं भी धो के वैसे हमको पसारना पड़ेगा और कुछ दिन सुखाना पड़ेगा, इसलिए दिवाली के बाद ही हमारा रेडी हो जाता है छठ पूजा के तैयारी में। सो गाइस, कबूतरों से हमको निगरानी करना पड़ रही है, और यहाँ पे कुछ कबूतरे बैठे हैं और उड़ रहे हैं, और धीरे धीरे हमको वापस उलट पलट करना पड़ता है गेहूँ को, क्योंकि नीचे वाला सूख जाने के बाद ऊपर वाले को भी सुखाना पड़ता है, फिर ऊपर वाले को पलट के फिर नीचे रखना पड़ता है। तो ऐसे ही ये चलता है प्रोसेस एक दो दिन तक। फर्स्ट डे ऑफ छठ पूजा, जिसको हम लोग बोलते हैं नहा खा, तो नहा के ही खाना पड़ता है जो व्रत करते हैं और जो घर में रहते हैं सभी कोई को। तो आज से स्टार्ट हो गया हमारा छठ पूजा, और हम अभी रेडी हो चुके हैं नहा के, और अभी चलते हैं। सबसे पहले लौकी भात बनता है, तो उसके लिए तैयारी करने के लिए, तो ये हमारा लौकी, अब इसको हम लोग को काटना है, तो चलते हैं हम लोग काट लेते हैं इसको जल्दी से। और एक लौकी जो मैं काटने के लिए बैठ चुका हूँ, और काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को काटने के टाइम, और ये हम लोग काट लेते हैं सबसे पहले लौकी, और आज बनेगा लौकी भात। और इसके बाद एक मम्मी ने भी काटना स्टार्ट कर दिया है लौकी, और क्योंकि मेरे को सब टाइम लग रहा था थोड़ा सा, तो जल्दी जल्दी कर दे मम्मी भी। और यहाँ पे फिर हम लोग को नहा के ये सब काम करना होता है, और यहाँ पे आ गया है लौकी कट चुका है, और इसको वापस कुकर में धो के अच्छे से रख दिया गया है और तो उबाल दिया गया, और एक तरफ चावल रेडी कर रहा है किया जा रहा है, क्योंकि मेरे को अभी जाना भी है। और ये पूरा खाना पेड़ देसी घी में बनेगा, और देख ही सकते हैं ये इसमें सिर्फ लाल मिर्च और देसी घी। फिलहाल नहा खा का ये जो खाना है, ये नहा के और खाना बनाना भी पड़ता है और खाना भी पड़ता है सभी को। और ये चावल यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और यहाँ पे जो होता है लौकी भात, और भात भी रेडी हो चुका है, और यहाँ पे बन रहा है भुजिया। तो एक सब्जी रेडी हो चुका है, ये दूसरा भुजिया भी बन रहा है, ये जल्दी से बन जाए। और यहाँ पे दाल भी बन के रेडी हो चुका है जल्दी जल्दी, और ये हमारा खाना सर्व हो रहा है। सो गाइस, ये आ गया नहा खा का खाना, दाल, लौकी, भात और भुजिया। तो फिलहाल आज हम लोग सबको नहा धोवा के खाएंगे, और मम्मी भी खा रही है इधर, तो ये मम्मी पहले खा लेंगी, उनके बाद मेरे को खाना है। ये स्पेशल सब्जी चना दाल, गोभी, लौका एंड आलू, और जो कि मेरे को आज मिलने वाला है नहीं, क्योंकि मैं अभी निकल रहा हूँ काम पे, और ये सब्जी मेरे को रात को खाना पड़ेगा। और फिलहाल आज का डे भी ऐसे ही चलता रहेगा, फिर हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट दिन कल खरना के लिए। आज है सेकंड डे ऑफ छठ पूजा यानी खरना, और आज का खाना मेरे को बनाना पड़ रहा है, तो ये आज हम लोग बनाएंगे आलू पटल का भुजिया, दाल और चावल। तो चलते हैं बनाते हैं और रेडी करते हैं। और ये इधर हो गया है भुजिया रेडी हो रहा है, तब तक हम लोग इधर चावल का पानी भी चढ़ा दिया है, और ये चावल देखते ही कितना देर में खाना हम लोग का बन जाता है, कैसा बन जाता है। तो ये बन गया है चावल अच्छे से, और ये मैंने दाल चढ़ा दिया है, और यहाँ पे रख दिया है इसको भुजिया, ऑलरेडी बन चुका है। तो बस यही आज का खाना है और बन गया फिलहाल। तो गाइस, ये है लंच आज मेरे तरफ से बना है। तो जनरल रिव्यू दूँ तो थोड़ा सा कमी हो गया है, जो है चावल थोड़ा सा और होना चाहिए था, बट ठीक है, चावल खाने लायक है। तो ये रहा मेरा खाना। तो अब हम लोग को शाम को खरना भी है, तो खरना में हम कहीं और भी जाएंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहे और जुड़े रहे, देखते हैं वहाँ आज प्रसाद खाने जाते हैं। खरना है और हम लोग जा रहे हैं गंगा घाट, तो मम्मी वहाँ आज नहाएंगी और उसके बाद आगे घर में खाना बनेगा। और ये हम पहुंच चुके थे गंगा घाट, और काफ़ी लोग पहले से भी नहा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आज खरना है, और सभी को नहाने के बाद मम्मी आ गए। यहाँ पे जो मंदिर है, यहाँ पे टूट चुका है ये अम्फान में, तो ये मंदिर में पूजा किया जा रहा है, और इसके बाद हम चलेंगे घर की तरफ। तो सबसे पहले अब सूर्य देव का नमस्कार भी हो जाए। घाट पे हो गया नहाना, और अब चल रहे घर पे, जो कि होगा हमारा खरना का आगे का कार्यक्रम। तो चलते हैं और घर पे मिलते हैं। अब स्टार्ट हो गया हमारा खरना, तो चलते हैं हम लोग खरना, देखते हैं कैसे मनाते हैं। और सबसे पहले जो होता है वो है
पूजना जो चूल्हा होता है, तो यहाँ पे तो हमें वैसा चूल्हा मिला नहीं, तो इसी चूल्हा पे हम लोग को ये करना पड़ेगा। मिट्टी का चूल्हा होता है वैसे, और यहाँ पे खीर के लिए चावल धोया जा रहा है, और चावल धोने के बाद अच्छे से इसको धो के पसार देना है, और इसके बाद दूध में बनता है। तो ये दूध का खीर जो बनता है, ये कैसे बनता है, ये आप लोग को मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल जुड़े रहे और बने रहे मेरे साथ वीडियो में। और यहाँ पे आटा का रोटी बनता है, ये जो कि हम लोगों ने ऊपर धो के रखा था उसी का है। और दूध उतार दिया गया, अब यहाँ पे पतीला चढ़ाया गया जिसके दूध से बचा पानी डाला जाएगा। और ये गाइस खीर बन रहा है, पहले चावल, अब गुड़, क्योंकि गुड़ का ही खीर बनता है। तो फिलहाल खीर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और यहाँ पे रोटी बनाने का तैयारी किया जा रहा है, और दूध अभी लास्ट में डलेगा। तो ये रहा दूध, और इसको सबसे लास्ट में डाला जाता है क्योंकि फट नहीं जाए, क्योंकि गुड़ का खीर बनाते टाइम ये फट जाता है, डाला जाता है। तो ऐसे बनता है प्रसाद खरना का। यहाँ पे बन चुका है रोटी, और इसके बाद अभी मम्मी पूजा करेंगे। तो सबसे पहले बहन मम्मी को सजा दे रही है, जैसे अलता वलता रखा जाता है सुहाग का निशानी। और यहाँ होने के बाद मम्मी को टीका जा रहा है, तो और कोई नहीं है तो बहन ही टीक दे रही है मम्मी को। और इसके बाद खरना का प्रसाद जो होता है वो दो तीन जगह निकाला जाता है, तो बहुत जन जो हिसाब से निकाले, हमारे घर में सिर्फ दो जगह होता है और एक प्लेट में मम्मी खाती है। तो यहाँ पे अब हवन वगैरह हो जाए, पूजा पाठ हो जाए, उसके बाद जब मम्मी खाएंगी तब हम लोग यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये पूजा पाठ हो चुका है ऑलमोस्ट, और चलते हैं अब हम लोग आगे। आगे है दूसरे घर में, क्योंकि अब मम्मी जब खाएंगी वहाँ पे तो वहाँ पे हम लोग को रहा नहीं जाता है और बोला नहीं जाता है, तो ये होता है नियम। और अभी देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होता है। अब ये आ गया हम लोग का प्रसाद, अब हम लोग इसको खाते हैं सबसे पहले। सो गाइस आज है डे 3 और हम हो गए नहा के रेडी जल्दी जल्दी से, और अभी बज रहे हैं 6:10 के आसपास हो चुका है, और बस चलते हैं और पूजा का तैयारी करते हैं आज। चलिए तो सूर्य दर्शन करवा के लाते हैं आज का। और ये हम आगे छत पे, और ये रहा आज का सूर्य दर्शन। ये हो चुका है हमारा काम स्टार्ट, और हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि आगे हम लोग का क्या क्या होने वाला है अभी।